दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कोई समय था जब लड़के लड़कियां 17-18 वर्ष की उम्र पार कर जाने के बाद ही काफी चीजों को समझ पाते थे या उनकी ओर आकर्षित हुआ करते थे, किंतु आज के दौर में इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने तो सारी स्थितियां ही बदल कर रख दी। आज के समय में 12-13 वर्ष के लड़के लड़कियां ही व्यक्तिगत सुंदरता का महत्व समझने लगते हैं या समझने लगती हैं। लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होने लगती हैं, उनमें एक नारी के लक्षण भी और गुण भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि कम उम्र पर आंतरिक नारीत्व भी शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, प्यार के मामलों में भी व्यक्तिगत समझ आ जाती है, किंतु निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। यहां तक कि इसके बारे में अपना अच्छा बुरा और इसके दुष्परिणाम भी नहीं सोच पाती। जीवन पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा इससे भी अनजान ही रहती हैं, जिसके कारण कई तरह के बाह्यात कामों को करना शुरू कर देती हैं। अकेले रहने पर वह लड़कों से दोस्ती करने और उनसे बातें करने की इच्छा करने लगती हैं। प्यार में क्या होता है, प्यार क्यों जरूरी होता है, प्यार में क्या सुख है, प्यार के सुख को कैसे महसूस किया जाता है, प्यार में क्या क्या होता है, इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठने लगते हैं और उन्हें जानने की जिज्ञासा भी बेहद करने लगती हैं। शारीरिक बदलाव या हार्मोन्स बदलाव के कारण काफी जिज्ञासाएं भी मन मस्तिष्क में उठने लगती हैं, जिसकी बेचैनी शरीर भी महसूस करने लगता है। यदि इसी उम्र पर उनकी सही देख रेख ना की जाए, सही से उनके मन में उठने वाले सवालों का जवाब न मिल जाए, तो वे इन कामों के लिए इंटरनेट का सहारा लेती हैं। और इंटरनेट पर जब आप प्यार से संबंधित किसी विषय पर सर्च करते हैं, तो न जाने कितनी भ्रामक और बुरी चीजें आपके सामने परोस दी जाती हैं। धीरे धीरे उनकी उम्र भी वही हो जाती है जिस विषय पर उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब वैसी चीजें इंटरनेट पर दिख जाती हैं, तो उन्हें क्लिक करके देखना, पढ़ना या सुनना पसंद करती हैं, जिसके कारण ज्यादातर लड़कियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं। चलो अब अपने मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। दोस्तों आज के दौर में 14 वर्ष की उम्र तक आते आते लड़कियों में काफी कुछ बदलाव आ जाते हैं। यह बदलाव बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं। यहाँ तक कि ख्यालों की दुनिया में भी खोने लगती हैं, सपने भी हसीन होने लगते हैं। नंबर 1, अपने सजने समरने पर ध्यान देना शुरू कर देती हैं। सुंदरता के मायने भी उन्हें पता चल चुके होते हैं। इस उम्र की लड़कियां अपने बालों, नाखून, चेहरे आदि पर खास ध्यान देने लगती हैं। यहां तक कि मेकअप का भी सहारा लेना शुरू कर देती हैं। कई लड़कियां तो इन मामलों में इतनी आगे निकल जाती हैं कि वे वैक्सिंग तक करने लगती हैं। उन्हें आकर्षण का केंद्र बना रहना भी पसंद हो जाता है। वह भी चाहने लगती हैं कि हमें लड़के देखें और हमारी ओर आकर्षित हों, इसलिए रिझाने की भी कोशिश करने लगती हैं। कई लड़कियां तो रिझाने की कला में माहिर हो जाती हैं। 2nd, आंतरिक और बाह्य बदलाव के कारण पेलो झेलो की इच्छा भी करने लगती हैं। कुछ तो इस मामले में काफी आगे तक निकल जाती हैं, क्योंकि इस उम्र पर सब कुछ नया नया होता है, उत्सुकता कुछ ज्यादा ही होती है। यह उत्सुकता उन्हें कहीं तक ले जा सकती है। कई तो इसी जिज्ञासा के कारण ऐसे दलदल में फंस जाती हैं जो कई तरह की घटनाओं की शिकार भी हो जाती हैं। यही जिज्ञासा उनकी जिंदगी पर भारी भी पड़ जाती है। यहाँ तक कि 16 या 17 वर्ष तक की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर बिना बताए बाहर चली जाती हैं, जिसका दुष्परिणाम भी उन्हें झेलना पड़ जाता है। कई बार तो लड़के उनके साथ कुछ इतना गलत कर देते हैं कि कद्दू कटेगा तो घर घर बटेगा। यानी कि हर स्थिति में उनके साथ ना इंसाफी होती है, उनके साथ धोखा किया जाता है।
थर्ड नंबर, 16-17 वर्ष की उम्र पर उनकी सुंदरता उफान पर होती है। आप चाहे जिस निगाह से देखें, कुल मिलाकर वे मन मोह लेने वाली हो जाती हैं, क्योंकि इस उम्र पर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए उनका चांद सा खिलता हुआ चेहरा किसी को भी मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। फोर्थ नंबर, इस उम्र की लड़कियां लड़कों की ओर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होती हैं। बॉयफ्रेंड बनाना, उनसे फ्रेंडशिप करना, लड़कों को पसंद करना, उन्हें जज करना, उनके नज़दीक जाना, आकर्षित होना, यह सब शुरू कर देती हैं। अपनी अदाएं दिखाना, रहन सहन में तेजी से बदलाव आ जाना आदि सब देखा जा सकता है। फाइव नंबर, अक्सर लड़कियां लड़कों को छिप छिप कर देखने लगती हैं, फोन पर घंटों बातें करना शुरू कर देती हैं, लड़कों और प्यार के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानने की उत्सुक रहती हैं। 16-17 वर्ष पर आते आते लड़कियां हुचू कुचू भी कर लेती हैं, यहाँ तक कि कई लड़कियां तो अपने हाथों को हल बना लेती हैं। सिक्स नंबर, प्यार पाने की चाहत, लड़कों का इंतजार, घर पर अक्सर अकेले रहने की कोशिश करने लगती हैं, घर पर ज़्यादा से ज़्यादा गुमसुम दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि घर वालों से झूठ बोलना भी सीख लेती हैं। कई लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना पसंद करती हैं या घूमना शुरू कर देती हैं और घर पर अक्सर झूठ बोल देती हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।